व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं महफूज ज्वेलर पे और यहाँ पे बनाई जा रही हैं PSL प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफीज़। शराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने के पास ये कैसे आइडिया आया और कैसे ये पाकिस्तान में अब ये PSL की ट्रॉफीज़ पाकिस्तान में बन रही है। अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं सर? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सर, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि ये PSL प्लेयर ऑफ द मैच की आप ट्रॉफी बना रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये सेकंड टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, क्या वाकया, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए, अपॉर्चुनिटी मिलना तो गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह की तरफ से ही होता है, जो भी होता है, इंसान तो खैर कुछ नहीं कर सकता। तो ये सेकंड टाइम ऐसा है जो पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि इससे पहले जो हैं वो 5 साल बाहर से बंदी रही हैं हॉटविल से, लेकिन लास्ट ईयर भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मिली और इस दफ़ा भी इसी का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला। तो इस बात का हमें बड़ा फ़ख्र है, इस बात का कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ होना शुरू हो गई और हमें भी इसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिला कि हम भी किसी तरीके से पाकिस्तान की कोई मदद कर सकें। ये इतनी खूबसूरत है, इसका डिज़ाइनिंग आप कैसे करते हैं, इसकी मेकिंग कैसे होती है? डिज़ाइनिंग इसकी सारी सारी कंप्यूटर पर होती है, सारी 3D ग्रामिंग है इसकी, सारी जो ग्राफिक होता है सारा पहले कंप्यूटर पर डिज़ाइन होता है, उसके बाद फिर इसको मशीनिंग होती है और काफ़ी लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसके बाद मैट फिनिश होती है, उसके बाद दोबारा पॉलिशिंग होती है और फिर दोबारा जो है वो फाइनल अप्रूवल इसकी PCB ही देता है जब। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। पहले हम सारा इसका एक मॉड्यूल तैयार करके उनको सैम्पलिंग के तौर पर भेजते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से अप्रूवल आती है और उसके बाद ही कंप्लीट होता है। अच्छा शराज साहब, मैं देख रहा था कि पहले वाली भी अगर मुझे दिखाई जो आपने PSL में बनाई थी, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था। जी जी, इसका वेट काफ़ी कम है और फिनिशिंग माशाल्लाह, और आपने हमारे से ये स्टोन एक ऐड किया है। ये स्टोन्स भी ऐड किए हैं, कुछ कलर्स इसमें ऐड किए हैं जो कि लास्ट ईयर नहीं थे। सही, जो इस साल के डिज़ाइन में हमने इसको ऐड किया है, और इसका वेट पिछले साल से लास्ट ईयर जो हमने बनाई थी उससे थोड़ा सा कम है, और इसको कम करना भी हमारे लिए एक चैलेंज था कि सेम फिनिश्ड में और सेम लुक में उसका वेट कम करना था। वेट तो ज़्यादा होता इजी होता आपके लिए? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वेट ज़्यादा होता, क्योंकि उसमें देखें एक लेंथी प्रोसीजर है कि जब आप वो एक सॉलिडनेस को अगर आपने बीच में से उसको खाली करना, तो जाहिर बात है उसमें से उसको टाइम भी उसका ज़्यादा एक्सपेंड होता है। और लास्ट में 3 kg की थी, अब टू के अराउंड है। जी हाँ, ये बताएं, सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच की ही बना रहे हैं या बाकी ट्रॉफीज़ भी आप बना रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर ऑफ द मैच के बाद जो मैन ऑफ द मैच की है, बेस्ट बॉलर की है और बेस्ट बैट्समैन की है, और जो बेस्ट कीपर वगैरह की हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमें असाइन हो गई हैं। okay. तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी आप ही ने बनाई थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मेन ट्रॉफी है वो क्यों बना रहे? इंशाल्लाह दुआ हमारी पूरी है कि वो जो मेन ट्रॉफी है वो भी हमारे पास ही है, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि उसमें भी हम PSL पासेस वगैरह भी देता है जब ये बनाने के आपको। दुआ कीजिए कोई ऐसा कोई कोरोना का या कोई ऐसी कोई ना ऐसा पैंडेमिक हो, अल्लाह करे कि ये पूरा इस तरह ही चलता रहे, तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। लास्ट ईयर भी होना था लेकिन वो कुछ कोरोना की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, ट्रॉफीज़ दें, पेमेंट लें और थैंक यू। अस्सलाम सर जी, हमें यही मिल जाए हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा, बिल्कुल हमारी यही ख्वाहिश है कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान के लिए हम काम आ सकें, तो हमारे यही बड़ी फायदे की बात है। ये एक अच्छी बात है, PSL पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और अगर इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान में अगर बने तो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा, इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम भी अच्छा होगा ना कि हम एक खुद से ये काम कर पा रहे हैं, वरना वो काम जो हम बाहर से करवाते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी फिनिश में बल्कि उससे अच्छी फिनिश में हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। मेन ट्रॉफी कहाँ से बनती है? वो बाहर से बनती है? जी हाँ, वो बाहर से बन रही है, हॉटविल से। ठीक है। अरे इसके मुझे ये बताएं कि इसकी पहले आप कटिंग करते हैं? पहले ये सबसे पहले डिज़ाइनिंग का प्रोसेसिंग होता है, डिज़ाइनिंग करते हैं, सबसे पहले डिज़ाइन होता है, होती है कितने स्टेप से होके ये एक ट्रॉफी बनती है? जी काफ़ी सारे स्टेप्स हैं इसके, एक स्टेप नहीं है, काफ़ी सारे स्टेप हैं। और एक पहले सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन होता है ना जी, जो सबसे पहले इसका हम डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन बनाने के बाद उस डिज़ाइन को एक शक्ल दी जाती है उसको इसी मटेरियल में बनाने के लिए, उसके बाद जब सारी फिनिश हो जाती है उसके बाद हम अप्रूवल के लिए भेजते हैं उसको। ठीक है। फिर वहाँ से जब हमें अप्रूवल आती है तो उसके बाद फिर प्रोसेस। कितना टाइम ले लगता है एक ट्रॉफी को बनाने में? सर एक ट्रॉफी कम से कम 3 से 4 दिन ले लेती है। तो आपने तो मेरे अगर 34 मैचेस हैं तो 34 ही बनाई होंगी, ज़्यादा बनाई है? सर सिर्फ मैचेस जो हैं वो सिर्फ डे एंड नाइट नहीं होते सर, जो इस तरह के मैचेस से रिलेटेड काम है वो भी डे एंड नाइट होते हैं। तो हमने जितने भी काम है अल्हम्दुलिल्लाह सारी रात और सारा दिन में कंप्लीट किया है। पाकिस्तान में जो दूसरी भी लीग्स हो रही हैं उनकी ट्रॉफीज़ भी आपके पास आती हैं, उनके ऑर्डर्स आते हैं, जैसे कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है? हाँ, उन्होंने कॉन्टैक्ट हमसे किया था लेकिन हम चूँकि हम थोड़ा सा बिजी थे जिसकी वजह से वो हम उसको स्किप किया। ज्वेलर ये एक कितना डिफ़िकल्ट टास्क है आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मार्केट में और भी ज्वेलर्स हैं,
उनके भी कोटेशंस, उनके भी डिज़ाइन गए होंगे पीसीबी ने, ओबियसली बात है टच किया होगा definitely. उनको कम्पीट करना, किन किन चीज़ों को आपने ख्याल रखा और आप यहाँ तक पहुँचे? मेन चीज़ सर इसकी फिनिशिंग है. ओके सबसे मेन पार्ट आता है फिनिशिंग का, कि फिनिशिंग को सबसे पहले आपने अपने माइंड में रखना कि आप फिनिशिंग उसको कितनी अच्छी से अच्छी और बेटर पेश कर सकते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी चीज़ पे कम्पीट किया. और मैंने आपको फर्स्ट बताया कि इस सब काम के पीछे जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम इसको कम्पीट कर सकें. बाकी अगर हम वही कहें कि हमने इसको किया तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं है, अल्लाह की तरफ से. सिर्फ आप ट्रॉफीज ही बना रहे हैं या और भी कोई लाइक सीनियर्स या कोई मेडल्स भी बनाते हैं? जी बनाते वो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो इस बार जो है मेडल्स का भी है हमारे पास. जो दूसरी गेम्स होती हैं नेशनल गेम्स, उनके लिए भी आप करते हैं काम? उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हमसे ज़रूर होते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. अगर तो हम अपने दूसरे इंस काम वर्क से फ्री हों तो हम ज़रूर कर लेते हैं. बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी में हमें टाइम नहीं मिलता सर, इसका एक काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है. फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि सिर्फ PSL के? अब आपका टारगेट क्या है, PSL को भी हिट करना या आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने करनी है, बनानी है ट्रॉफी? सर हम तो चाह रहे हैं कि सिर्फ PSL की ना बने बल्कि वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप की भी ट्रॉफीज है अल्हम्दुलिल्लाह हम चाह रहे हैं कि उसको भी हम कम्पीट कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन. बिल्कुल बिल्कुल इससे ताकि और जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं जी हाँ, जिसमें हमारी बॉल यूज़ होती है, जिसमें हमारा ये साल कोर्स है, जितना भी हमारा ये स्पोर्ट्स का सारा कुछ तैयार होता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमारी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होगी उसमें भी हम ट्रॉफीज की सूरत में अपना नाम इंशाल्लाह जरूर. शाह साहब अभी वीडियो से पहले आप बता रहे थे कि आपने टॉस कॉइन भी बनाया, उसकी जरा बताइएगा वो क्या चीज़ चीज़ का? तो मैं पता है कि वो जी वो ब्रास के अंदर ही होता है, बिल्कुल लाइक कॉइन का साइज है, डिफरेंट होता है वो. हम तो वो गली में वो पांच वाला ऐसे फेंके जी ऑलमोस्ट साइज तो वही है उसका. अच्छा, उसी ऑलमोस्ट साइज में है, लेकिन उसका मटेरियल, उसकी फिनिशिंग वगैरह वो बिल्कुल चेंज है सर. नहीं वो भी गोल्ड प्लेटेड ही होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से उस पर मशीनिंग होती है और गोल्ड प्लेटिंग होती है, तो सारा कुछ. वो भी जितने मैचेज हैं उतने कॉइन्स हैं या एक ही कॉइन को हर मैच में चलाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हर मैच के अलग अलग कॉइन्स हैं, जितने मैचेस हैं उतने कॉइन्स हैं. एक साइड पे कायदे आज़म, दूसरी साइड पे मस्जिद, वो तो नहीं नहीं नहीं, एक एक पे एक साइड पे हेड होता है, एक साइड पे टेल होता है. अच्छा मैं कहूँ, वो तो हम तो गली मोहल्लों की क्रिकेट हमने खेली है वो एक टाइम. जी इस गली मोहल्लों से ही निकल के हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जी. ऐसे ही जी, जितने हमारे जो अच्छे बेस्ट प्लेयर्स हैं अगर उनका बैकग्राउंड देखें तो आपको यही लगेगा वो स्ट्रीट प्लेयर्स थे, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं. नहीं दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो लास्ट टाइम जब बनाई थी तो सिर्फ हमारे पास प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफीज थी. okay. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा हमारी काम, हमारी लगन देखने के बाद उन्होंने हमें इस दफ़ा जो टॉस कॉइन है वो भी हमें ही कॉन्टैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह. टॉस नहीं, लास्ट टाइम उन्होंने टॉस कॉइन नहीं बनाए थे, ये हमारे लिए एक नई चीज़. उसका जो साइज़ है वो नॉर्मल कॉइन की तरह ही होता है या कोई स्पेसिफिक साइज भी होता है? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल कॉइन की तरह होता है, बिल्कुल एक नाम जैसे सिक्का होता है उस कॉइन का, उसी साइज़ का होता है. लेकिन उसको मैनेज करना होता है क्योंकि दोनों साइड्स का जो वेट है वो लेवल करना होता है. ओके ये एक चैलेंजिंग होता है कि उसको आपने वेट मैनेज करना होता है, कहीं से ये ना हो कि एक साइड से हैवी और एक साइड से लाइट हो, तो वो फिर जाहिर बात है वेट जो है वो टॉस करने जो जिस साइज का वेट ज्यादा होगा डेफिनेटली वो जमीन पे ज्यादा चला जाएगा, चाहे वो हेड का हो या टेल का, वो पहले आ जाएगा, वो टॉस जीत जाएगा टेक्निकली. अगर जो जिस साइज का वेट अगर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल हेड का अगर ज्यादा है और किसी कैप्टन ने हेड की अगर वेट ज्यादा, तो वो सामने आ जाएगा, तो वो टेल आएगा ना. वो टेल अगर हेड का वेट ज्यादा होगा तो वो हेड डेफिनेटली जमीन पर आएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टेल का, तो वो हर बार वो टेल का ही आता रहेगा. टेक्निकल चीज़ों को हमने सारा मैनेज करते हुए इसको कम्पीट किया. PSL की जो ट्रॉफी है व्यूअर्स या कोई इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें टेक्निकल काम ज़्यादा है, फिनिशिंग तो एक अपनी जगह है लेकिन टेक्नैलिटीज़ को भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है. जस्ट लाइक इन्होंने जैसे वेट का बताया उसको देखना, और ये तो कॉइन की तो हम तो टी वी पर देखते हैं, बस एक दफ़ा किया और टॉस या सन हो गया, इसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है. जी बहुत शुक्रिया शिराज साहब आपका. थैंक यू सो मच.